असर्शन रीजन में एक साथ लूंगा और पे इसी यहीं पर लूंगा क्वेश्चन पेपर पे। नाउ अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, चलो लिख देंगे यहाँ, ऑप्शन तो लिख ही देंगे ना, है कि नहीं। अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। और मैंने पहले बताया कि असर्शन रीजन का तरीका होता है कि असर्शन पढ़े रीजन ना पढ़े, असर्शन का रीजन खुद सोचे। अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। हमें पता है बचपन से कि करंट फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर में, नहीं तो नहीं होगा। वजह लिखना पड़ जाएगा इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए कि ई होता है माइनस का डीवी बाय डीआर, और ये हमेशा एप्लीकेबल है चाहे इलेक्ट्रोस्टैट्स बोलो चाहे करंट बोलो, यानी कि चाहे चार्ज मोशन में हो चाहे चार्ज मोशन में ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल डिफरेंस रहा हो। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ई है और इंडिपेंडेंट जो है वो वी है, यानी कि वी होगा तो ई होगा। तो ध्यान रखें हमेशा दो, तो वी होगा तो आई होगा, तो 10वीं पढ़ा है आपने। अब ये भी जान लें कि वी होगा तो ई होगा, तो एक डेल्टा वी के होने पर ही ई पॉसिबल है और डेल्टा वी के होने पर ही आई भी पॉसिबल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ओनली वेन देर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये बोलता है ना मैथमेटिक्स में ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी को बिलोंग करता है, ए सी को बिलोंग करता है, तो बी और सी आपस में रिश्ता बना लेते हैं उस तरीके से ना। अब हम रीजन पढ़ने जा रहे हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला है माइनस का ई टॉ बाय एम, ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो हम देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाइज जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ बोला जा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ये स्टेटमेंट गलत है। एक बात और ध्यान रखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस होता तो हम इसको रीजन बता सकते थे इसका, कि ये स्टेटमेंट का रीजन भी है। खैर यहाँ पे डिक्रीजेस है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। द आंसर इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। लिख लेते हैं आंसर इज सी। चलिए दूसरा असर्शन रीजन ले लेते हैं। मैं असर्शन रीजन एक साथ ले रहा हूँ ताकि एक फ्लो बन जाए, हम सीख जाए असर्शन रीजन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ना असर्शन, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये पॉइंट तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सबको दिख रहा होगा कि ये पहला स्टेटमेंट तो ईजी है। और सॉरी करेक्ट रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सबको पता है डायरेक्टली, ये गलत है। तो इसमें समझाने वाला कुछ था ही नहीं, तो 12 का जो है वो ए इज ट्रू और फिर से सी आ जाएगा एन आर इज फॉल्स, इसमें भी सी आंसर। नाउ इन अ वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट, सॉरी यंग वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट। देखते हैं द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ अदर कलर्स इन वाइट लाइट। बोथ, अभी दोनों स्टेटमेंट्स की पहले प्राथमिक जांच का सही है कि नहीं। ध्यान सुनिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट, यस इट कैन बी परफॉर्म्ड, कोई बुराई नहीं है। सस्टेंड इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। सस्टेंड वाला इंटरफेरेंस मतलब होता है बेहतरीन, अच्छा कंट्रास्ट हो, ब्लैक एंड व्हाइट मस्त मस्त दिखे, तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं सस्टेंड नहीं हो रहा, पर इंटरफेरेंस हो जाएगा। दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन टू रीजन्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, ये आपको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, अलग अलग कलर भी दिखेंगे आपको। तो ध्यान रखें कि ये पहला स्टेटमेंट सही है, अगर सस्टेंड इंटरफेरेंस बोला जाएगा तो गलत हो जाएगा ये। सस्टेंड इंटरफेरेंस अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ थ्योरी जाके चेक करें, लेकिन ये बात सुन लें कि व्हाइट लाइट से सस्टेंड इंटरफेरेंस नहीं होता पर इंटरफेरेंस तो हो जाएगा। दूसरी बात फिर बोल रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ अलग कलर्स। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन, सबको पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट रेड की सबसे ज़्यादा होती, तो ये फॉल्स हो गया। हमारा 13th स्टेटमेंट भी सी फॉलो करेगा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। वाई डी एस ई से वाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है परंतु वेवलेंथ राइट लाइट की लेस नहीं होती, ज़्यादा होती। ना 14, इसमें भी सी आया। इन अ हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शो मैनी लाइन्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन में बहुत सारी लाइन्स दिखती है एमिशन स्पेक्ट्रम में,
लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एमिशन लाइन्स ही हैं। नाउ इन अ गिवन सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन देर आर मैनी एटम्स ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, हैंस मैनी इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एटम्स मे बी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सो मैनी ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। ये इसका रीजन नहीं है, ऐसा होता है पर ये इसका रीजन नहीं है, डिस्क्रीट लाइन्स होने का रीजन नहीं है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग जुदा जुदा लाइन्स, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रीजन नहीं है, ये कहना सही होगा लेकिन इसका रीजन नहीं है। ठीक है, सो इन अ गिवन सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन देर आर मैनी एटम्स ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, हैंस मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट एटम मे बी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सो मैनी ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर आर पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ ए आर नॉट ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप सोच रहे हो कि किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोर्स थ्योरी है, उसने बोला था कि एक गिवन क्वांटाइज फॉर्म में ही एनर्जी निकल सकती है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसीलिए कंटिन्यू स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा है क्योंकि वो एक निर्धारित शेल्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई होगा। तो जब वो वहाँ से जंप करेगा या उन स्पेसिफिक ऑर्बिट से जंप करेगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ही निकलेगी जो एक पर्टिकुलर एमिशन लाइन को बिलोंग करेगी। इसलिए यहाँ पे वो रीजन देना चाहिए था कि इसके ऑर्बिट्स निर्धारित होते हैं, द ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। तो वो नहीं लिखा था यहाँ पे, यहाँ कुछ और दिया हुआ था। सो दैट इज़ वाई बोथ ए आर नॉट ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। 14 का